ज्यादा फिर गए यार, उम्मीद खराब कर दी आज कर लेते यार। कैसे कैसे A very good morning. Today it's Sunday and right now it's around 9:50 in the morning. And last night, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, तो मैं हर रोज़ यू नो ये खिड़की, ये दोनों खिड़की खोल के सोता हूँ. बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, बट यू नो सोते हुए छोटे छोटे ऐसे कीड़े मकोड़े बहुत काटने लग गए. एंड आई नो आई वॉजन एबल टू स्लीप प्रॉपरली, बट देन मैंने उठ के ये जाले बंद किए एंड फिर मैं अच्छे से सो पाया. बिकॉज तो इतने दिनों से तो कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आ रहे थे, बट क्या पता कल से आने चालू हो गए. सो एनी वाइज मैंने उठते कैमरा चालू कर दिया एंड राइट नाउ मैं अभी ब्रश करूँगा, मुँह धोऊँगा एंड गेट फ्रेशन अप. तो सो वेलकम बैक टू अवर चैनल एवरीवन, एंड होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. आज का वीडियो, वेल यू नो आई थॉट दैट व्हाई नॉट मेक ए वीडियो ऑन फूड ऑफ द मेस हॉस्टल दैट वी एवरीडे ईट. सो राइट नाउ टुडे इज संडे एंड स्टार्टिंग द वीडियो विद द ब्रेकफास्ट ऑफ टुडे. सो राइट नाउ आई एम जस्ट गोना गो हेड आउट एंड हैव माय ब्रेकफास्ट एंड ऑल्सो शो यू गाइस अराउंड द मेस एंड द फूड, क्या खाना मिलता है, कैसे होता है सब कुछ. सो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो. हम देखो हमारा मैस वहाँ पर है, हमारा हॉस्टल वहाँ पर है. ऐसा नहीं लगता कि यू नो हम जंगल से चल के जाके, जैसे हमारे पेरेंट्स बताते थे कि हम पहले 2 किलोमीटर चल के स्कूल जाते थे. हम भी बाद में बताएंगे, हम धूप में बारिश में 2 किलोमीटर चल के खाना खाने जाते थे. इसका कौन सा ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा लगता है, कौन से दिन का? आज का दिन आज है छोले भटूरे. नहीं, मुझे तो मंडे और वेडनेसडे का अच्छा लगता है जहाँ पे ऑमलेट है, खत्म, नॉन वेज, क्योंकि शेर पे भी खाते हैं. तेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब छोले थोड़े फीके फीके? ज्यादा फीके यार, उम्मीद खराब कर दिया आज. बस मैं ऐसा लग रहा कि उबाल के डाल दिया. सो छोले भी आ गए, भटूरे भी आ गए, आ जाओ बस. वेल मेरे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है. I don't know if you guys can solve it for me. The mystery is like आज संडे है, ठीक है, एंड अभी 10 बज रहे हैं. हम ब्रेकफास्ट करने गए और वहाँ पर देखे जो भी लड़कियाँ हैं एकदम नहा धो के मस्त तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने आ रहे हैं. सो पहला क्वेश्चन, कैसे कर लेते यार, कैसे कैसे? लाइक इट्स संडे तो ब्रेकफास्ट भी करने नहीं जाते अगर आप लोगों को, आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना नहीं होता या फिर अगर भूख नहीं लगती. लेकिन लड़कियाँ संडे के सुबह 10 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके एकदम खाना खाने आते हैं, तो इसको एक सुपर पावर या टैलेंट ही बोलूंगा. मेरे लिए अभी भी मिस्ट्री की लड़कियां कैसे कर लेते हैं. सो इफ यू गाइस नो द आंसर टू कमेंट डाउन बिलो. एनीवेज डन विद द ब्रेकफास्ट एंड टॉकिंग अबाउट द वेदर अपडेट. ओके इट्स टू हॉट. टॉकिंग अबाउट अ मेस, अवर मेस इज वेरी 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 सिंपल. एक एरिया वहाँ से आप प्लेट उठाते हो, चम्मच उठाते हो, या सलाद हो गया या फिर कुछ भी, या रोटी भटूरे जो भी हो गया. और दूसरा वह एरिया होता है जहाँ से आप दाल सब्जी उठाते हो. और मेस में मंडे वेडनेसडे संडे नॉनवेज मिलता है, लाइक नॉट कम्प्लीटली 100% नॉनवेज, लाइक अंडा हो गया. एंड ओनली ऑन वेडनेसडे रात को 2 पीस चिकन मिलता है, ओनली 2 पीस, लाइक 2 बुन जिंदगी के लिए, 2 पीस चिकन जिंदगी के लिए. ऑलराइट, एंड बिकॉज ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे को यहाँ पर कुछ तो एक रूल फॉलो किया जाता है ऑफ कम्प्लीटली वेज. एंड सो दैट्स ऑल. सो एनीवेज लाइक आई सेड इन माय लास्ट व्लॉग, कल मंडे है, मंडे को एक प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो उसके लिए भी थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा. बिकॉज इट्स बिन 3 मंथ्स की एग्जाम खत्म हुए, बुक को छुआ भी नहीं, तो अभी थोड़ा बुक से धूल को हटा के थोड़ा बुक खोल लिया जाएगा. सो एनीवेज आप लोगों से मिलते हैं सीधा लंच टाइम पे, बिकॉज नथिंग मच टू शो, जस्ट द सेम रूम, सेम हॉस्टल एंड सेम. Alright, so it's 12:54 right now and I studied for around 1.5 hours and then इतने गर्मी पर रहते थे और मूड नहीं किया. बट देन थोड़ा थोड़ा करके लाइक इन द इवनिंग या द नाइट थोड़ा थोड़ा करके कल तक का जो भी सिलेबस है वो शायद कवर कर लूँगा, आई होप सो. सो राइट नाउ यू गाइस मस्ट बी सीइंग आई अप्लाइड समथिंग ऑन माई हेयर्स. वेल इट्स नथिंग, इट्स जस्ट हेयर मार्क्स, बिकॉज यहाँ का पानी इतना खराब है, लाइक इट रियली डिहाइड्रेट्स योर हेयर एंड नॉट जस्ट योर हेयर, योर स्किन टू.
जैसे कि हमारी बॉडी को भी खाने की जरूरत होती है, सो टाइम टू टाइम आपको भी अपना स्किन और हेयर्स को भी नरिशमेंट और प्रॉपर केयर देते रहना चाहिए. एंड ऑल्सो इफ यू समवन फ्रॉम दिस कॉलेज वॉचिंग दिस वीडियो, आई सजेस्ट कि एटलीस्ट हफ्ते में एक या दो बार, वेदर बॉय और गर्ल, हफ्ते में एक या दो बार ऑयल योर हेयर और एटलीस्ट यूज अ हेयर मास्क. एंड हेयर मास्क आई यूज दिस वन मामा अर्थ अनियन हेयर मास्क बिकॉज आई रियली फाउंड इट गुड. एंड सीरियसली दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट, इधर मुझे कुछ मिला है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी एज ऑनेस्ट एज आई कैन एंड यू नो ट्राई टू शेयर विथ यू गाइज कि मैं अपनी डेली लाइफ में क्या यूज़ करता हूँ, क्या करता हूँ, वट एवर इट इज. तो 100 बात की एक बात, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखो, अपनी स्किन का भी ध्यान रखो और अपने बालों का भी ध्यान रखो. सो राइट नाउ आई एम जस्ट गोना कीप दिस वन फॉर हाफ एन आवर एंड आई गो एंड टेक ए शावर एंड आई गेस बाई दैट टाइम डेढ़ या दो बजे तक लंच टाइम भी हो जाए एंड देन आई विल शो यू गाइज व्हाट्स देयर फॉर लंच टुडे. एंड चलो थोड़ी देर बाद आफ्टर माई शावर. ऑल राइट, सो नहा धो के हो गए फ्रेश और वैसे भी नहा के कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, फिर से पसीना. ऑल राइट, सो अभी जा रहे हैं लंच करने एंड आज लंच में शायद खिचड़ी, पापड़ और अचार. तो चलिए दिखाते हैं आपको लंच करने. ऑलराइट, सो लंच भी हो गया. वेल टू बी ऑनेस्ट, पहले लंच में खिचड़ी मिलता था, यू नो ड्राई खिचड़ी, और अभी फ्राइड राइस मिलता है. तो खाते खाते लाइक पता नहीं चला कि कब कितना खा लिया, तो थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया. तो अभी मैं थोड़ा मुंह धो के फ्रेश होकर थोड़ा नैप ले लेता हूँ बिकॉज दोपहर का टाइम है, गर्मी बहुत हो रही है, कुछ करने को है नहीं, पढ़ने का भी मूड नहीं हो रहा, तो इससे अच्छा थोड़ा नैप ले लेता हूँ और सीधा मिलता हूँ आपको लास्ट पार्ट में जो कि है डिनर टाइम, जो कि शाम के 8:30 बजे से. सो सी यू एट द डिनर टाइम डायरेक्टली. सो गाइज इट्स 8 PM इन द इवनिंग एंड बहुत दुख के साथ कुछ कहना चाहता हूँ और ये है कि रात का डिनर शायद नहीं हो पाएगा, मैं बाहर से ऑर्डर करके खाऊंगा. तो आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए बिकॉज इट्स संडे, मेरा भी बनता है ना, थोड़ा बाहर से थोड़ा चिकन विकन एन्जॉय किया जाए. गजब टूबी बाज आदमी. वैसे भी आप लोगों को तो पता ही है संडे हो या मंडे हॉस्टल का खाना टट्टी ही होता है. सो जस्ट बेयर विथ मी फॉर दिस वन. एंड अगर यहाँ तक ब्लॉग देख लिया तो लाइक भी कर देना और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो बिकॉज ऐसे और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आते रहेंगे. सो